समय मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई खबरों का, तो चलिए देखते हैं खबरें। रूपाली को फोटो खिंचाना महंगा पड़ा, आपको बता दें कि देखते ही देखते नवविवाहिता की जान चली गई और अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। कोगांव के राहुल पटेल ने बताया है कि पत्नी के साथ आ रहे थे, पीथमपुर से आ रहे थे, इसी दौरान मंडलेश्वर कसरावाद मार्ग पर नर्मदा नदी के पुल पर दोनों रुके और उनकी पत्नी नर्मदा नदी में पैसे चढ़ाने गई और इसी दौरान फोटो खिंचा रही थी, इसी दौरान देखते ही देखते तेज बहाव में गिर गई और आंखों से ओझल हो गई। वही प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि फोटो खिंचाते समय ये दुर्घटना घटित हुई और अभी तक इस महिला का कोई सुराग नहीं मिल सका है। जैसा कि सभी जानते हैं, इस वक्त मध्य प्रदेश की सभी नदियों में, खासतौर पर नर्मदा में तेज बहाव है, वहीं तवा के सभी गेट भी खोले गए हैं। इसके बावजूद भी लापरवाही का मामला भी यहां सामने बन रहा है, साथ साथ फोटो खिंचाने के चलते कई बार अनबैलेंस होकर लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं।